विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने देश में राजनीति के बदलते स्वरूप पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जिस वोट के अधिकार की खातिर 6 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने अपने सिर कलम करवा दिए, उस वोट की कीमत आज एक बोतल के बराबर हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कमोबेश सभी लोग जिम्मेदार हैं। प्रेस क्लब में एक पुस्तक विमोचन समारोह में बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि देशवासियों की इच्छा के मुताबिक राज स्थापित करने के लिए लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि 6 लाख हिंदुस्तानियों के बलिदान के बाद हम लोगों को एक वोट का अधिकार मिला, लेकिन आज उस एक वोट की कीमत एक बोतल हो गई है। 1914 के विश्व युद्ध का, 1942 के विश्व युद्ध का, इसमें एक वोट के लिए हिंदुस्तानियों ने 6 लाख हिंदुस्तानियों ने बलिदान किया, यहाँ तक तो आप मानोगे। लेकिन उस बलिदान से जो एक वोट मिला, आज का युग धर्म क्या हुआ उस बात ने क्षमा करें, हम सब उसमें दोषी हैं। एक बोतल, आज की राजनीति ने उस एक वोट को एक बोतल पर लाकर रख दिया। इसके साथ ही मेघवाल ने यह भी कहा कि पहले विचारधारा की बात होती थी और बहस इन मुद्दों पर होती थी कि राजनीति किस तरीके से और किस विचारधारा पर की जाए, लेकिन विचारधारा की राजनीति को लोग बरकरार नहीं रख पाए और उसका रिप्लेसमेंट जातिवाद के रूप में आ गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो जातिवाद एक समय सबसे बड़ी बुराई हुआ करती थी, वही आज देश की राजनीति को चला रही है। यह जातिवाद जो सबसे बड़ी बुराई इस देश की थी, आज वह जातिवाद राजनीति को इस देश में चला रहा है। यह कुछ चिंता की विषय है। विधानसभा अध्यक्ष ने देश के बदलते चरित्र पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज लोगों का चरित्र राष्ट्रीय होने के बजाय क्षेत्रीय हो गया है, इसके साथ ही राजनीति का स्तर भी क्षेत्रीय हो गया है। उन्होंने हालात बदलने की उम्मीद जताते हुए कहा कि वे खुद आशावादी हैं और इन हालातों को जरूर बदला जाएगा। जयपुर नगर निगम में आज महापौर निर्मल नाहटा ने निगम कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कई मुद्दों पर फटकार भी लगाई। बैठक में हुए सबसे अहम निर्णयों में बड़ा फैसला सरकारी विभागों से बकाया यूडी टैक्स वसूलने का रहा। महापौर ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ इस मामले पर बैठक करके इस मसले का जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। इसके अलावा बैठक में यूडी टैक्स कलेक्शन को लेकर मेयर निर्मल नाहटा ने सभी जोन उपायुक्तों को फटकार लगाई। जोन उपायुक्तों को कहा कि यूडी टैक्स बकायादारों पर कार्रवाई में क्यों देरी हो रही है। निर्मल नाहटा ने साफ शब्दों में कहा कि जयपुर ऐसा शहर है जहां से अगर तरीके से टैक्स वसूला जाए तो 1000 करोड़ रुपए का यूडी टैक्स वसूला जा सकता है, लेकिन निगम अधिकारी इसमें पूरी तरह से लचर साबित हो रहे हैं। इसके अलावा निगम की रिव्यू मीटिंग में अस्थायी सफाई कर्मचारियों के भुगतान का बड़ा मुद्दा भी उठा। इसमें अतिरिक्त कमिश्नर राकेश शर्मा ने कहा कि वक्त पर नहीं पहुंच पाती है कर्मचारियों की हाजिरी और हाजिरी देरी से पहुंचने की वजह से ही भुगतान में होती है देरी। राज्य सरकार के द्वारा ईडी टैक्स में और हाउस टैक्स में छूट प्रदान कर दी गई है और हमारा भी लोगों से यही आह्वान है कि उस छूट का फायदा उठाते हुए जो बकाया यूडी टैक्स जमा कराएं, और जहां जमा नहीं हो रहा उसके लिए और भी कार्रवाई की जा रही है। लगभग अभी तक हमने 30 करोड़ से का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। मेयर निर्मल नाहटा ने इस मुद्दे पर भी निगम अधिकारियों को फटकार लगाई कि शौचालय मुक्त बनाने के अभियान को लेकर निगम लचर साबित होता जा रहा है और इसमें जयपुर बहुत ज्यादा पीछे है। बीकानेर के जसूसर गेट पर आज फायरिंग का मामला सामने आया, जहां दो छात्र आपस में भिड़ गए और फायरिंग की, जिसमें छात्र नेता विक्रम सिंह बुरी तरह जख्मी हुए, जिन्हें बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बीकानेर के जसूसर गेट इलाके में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने गोलियां चलने की आवाज सुनी। जसूसर गेट की तरफ रहने वाले विक्रम सिंह को एक व्यक्ति भूपेंद्र ने गोली मारकर घायल कर दिया। विक्रम के अलावा भी एक जने को गोली लगी। विक्रम सिंह शोभासर बीकानेर के नेहरू शारदा पीठ कॉलेज का छात्र है। विक्रम सिंह छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका है। उसकी भूपेंद्र के साथ पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसका नतीजा आज गोली कांड के रूप में देखने को मिला। पूरे मामले के बाद नयाशहर थाने ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घायल विक्रम सिंह को बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उसके बाहर कोई लड़कों का आपस में बात हुई है, इसमें फायर हुआ है, एक लड़के के पीठ में गोली लगी है, एक कोई पास में और लड़का था उसके टकने पे गोली किसी। ये कोई दो चार दिन पहले को बताते हैं, इनके आपस में किसी बात को लेकर छोटी मोटी बात हुई है, अभी पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में। अपनी मांगों को लेकर विद्यार्थी मित्रों ने आज एक बार फिर किया बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का घेराव। विद्यार्थी मित्रों का कहना है कि जब तक इनकी मांग का स्थायी समाधान नहीं होता तब तक सरकार कम से कम उन्हें अस्थायी नियुक्ति तो दे ही सकती है। कुछ समय पहले तक प्रदेश में विद्यार्थी मित्रों के रूप में स्कूलों में तैनात युवाओं को अब हटा दिया गया है। अप्रैल 2014 से जब से इन युवाओं को हटाया है तब से इनमें से कई लोग बेरोजगार हैं और तकरीबन 11 विद्यार्थी मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। आर्थिक संकट से परेशान चल रहे विद्यार्थी मित्रों ने आज बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का घेराव किया। इन लोगों ने सरकार के सामने अस्थायी नियुक्ति देने की मांग रखी है। इन लोगों ने सरकार का आभार तो जताया लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इनकी नियुक्ति का मामला और नई भर्तियां सुप्रीम कोर्ट के मामले में अटक गई हैं। न्यायिक प्रक्रिया में इनकी नियुक्तियां अटकने के चलते ये लोग अस्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह के साथ हुई इस मुलाकात के दौरान ये बात भी सामने आई कि जब तक इस मामले में कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया जाएगा तब तक इस संकट का समाधान मुश्किल है। मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार में जो भी वर्तमान में जो सांसद है विधायक और ये मंत्री, ये केवल झांसे के देने के अलावा और कोई ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। हमारे हमें सांत्वना तो बहुत देते हैं, हमें विश्वास तो बहुत दिलाते हैं, ये दो साल से जो भी कर रहे हैं हमारे साथ सांत्वना ही दे रहे हैं, ये विश्वास ही दिला रहे हैं, धोखा ही किया है इन्होंने, अभी तक कोई विश्वास पे हमारे विश्वास पे खरा नहीं उतर। सुबह 10 बजे से देर शाम तक बीजेपी दफ्तर के सामने डटे विद्यार्थी मित्रों की आशंका इस बात को लेकर भी है कि पुलिस उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग कर सकती है। विद्युत विभाग के प्रतिनिधि सम्मेलन में नहीं पहुंचा एक भी जनप्रतिनिधि। वहीं बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों के दादागिरी का मुद्दा छाया रहा। मंत्री ने भी जताई लाचारी, कहा व्यस्तता की वजह से नहीं पहुंच पाए जनप्रतिनिधि। विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति में सुधार को लेकर आयोजित प्रतिनिधि सम्मेलन में आज कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा, जबकि विभाग ने इस बैठक के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। जब इस मुद्दे पर ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि आज शादी समारोह ज्यादा है, ऐसे में व्यस्तता की वजह से जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए होंगे। इसके साथ ही आज सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों की दादागिरी का मुद्दा भी प्रमुख रूप से छाया रहा। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि बिजली छीजत को रोकने के लिए जब कोई विजिलेंस टीम मौके पर जाती है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्रवाई नहीं करने का दबाव भी बनाते हैं। दरअसल टोंक जिले में कुछ दिन पहले इस तरह के कई मामले सामने आए थे जिन्हें जी राजस्थान ने प्रमुखता से उठाया था। हमारे कई विधायक को बुलाया था, जनप्रतिनिधि को बुलाया, वो हो सकता है कोई आज शादी का त्यौहार है मतलब इसलिए वो नहीं आ पाए, या कोई उनके कॉन्फ्रेंस में कोई प्रोग्राम होगा इसलिए नहीं आ पाए, पर इस बारे में हमने कई बार उनके साथ चर्चा भी कर रखी है। JPDC में हमने जो बैठक रखी थी उस परिस्थिति में हमारे माननीय सदस्य है वो सब आए थे, अपने अपने उन्होंने सुझाव भी दिया है, इससे पहले भी आए थे, तो हो सकता है कोई कारण नहीं आया है। बिजली समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से हमेशा आवाज उठाते रहे हैं लेकिन जब आज इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उन्हें बिजली विभाग ने बुलाया तो वे नदारद रहे। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का यह रवैया गैर जिम्मेदाराना ही कहा जाएगा। बीजेपी की आपत्ति के बाद अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल का कार्यक्रम निरस्त। कार्यक्रम में पाकिस्तानी शायर की शिरकत करने पर बीजेपी ने जताई थी आपत्ति, मजबूरन आयोजकों को निरस्त करना पड़ा कार्यक्रम। अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में आज जवाहर रंगमंच पर ख्यातनाम शायर निदा फाजली की याद में कार्यक्रम करवाने की घोषणा की थी जिसमें पाकिस्तानी शायर अब्बास ताबिश को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन जैसे ही ताबिश के आने की खबर बीजेपी को लगी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का विरोध करना शुरू कर दिया। भाजपा युवा मोर्चा ने ऐलानिया धमकी दे डाली कि अजमेर की धरती पर पाकिस्तानी शायर को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद मजबूरन आयोजकों को कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। हमारे देश की वैसे संस्कृति बड़ी मान सम्मान की रही है लेकिन परंतु जिस तरीके का कृत्य पाकिस्तान भारत के साथ करता है उसको देखते हुए ये दोहरी नीति करते हैं। ये क्या करते हैं, पीठ पे तो खंजर मारते हैं और कमाने के लिए भारत आ जाते हैं, तो जब कमाने भारत आते हैं तो भारत को उस तरीके का सम्मान भी मिलना चाहिए। उस तरीके का नेतृत्व जो हमारा आज मोदी जी कर रहे हैं उसके बावजूद हम परस्पर हम लोगों ने संबंध अच्छे करने के कार्यक्रम किए हैं लेकिन परंतु उसके बावजूद हमारे साथ घात किया गया। और मेरे हिसाब से ये लोग कोई शायरी वायरी करने नहीं आए थे, ये अब्बास सब्जी जो है ना ये सिर्फ मेरे ख्याल से टोल लेने आया।
बीजेपी की आपत्ति के बाद कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। वहीं विरोध की आशंका के चलते भारत आए पाकिस्तानी शायर अब्बास ताबिश को जयपुर में ही रोक दिया गया। जल्द सुधरेंगे बूंदी जिला अस्पताल के हालात। जिला कलेक्टर ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। ड्यूटी से गायब डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश। बूंदी जिला अस्पताल के अब हालात सुधरने वाले हैं। सी राजस्थान न्यूज पर अस्पताल की बदहाली की तस्वीर देखने के बाद जिला कलेक्टर ने अस्पताल का आज औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर के अस्पताल पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया और कल तक नदारद रहने वाले कर्मचारी काम करने में जुट गए। कलेक्टर ने पीएमओ में जाकर अटेंडेंस रजिस्टर देखा तो 30 डॉक्टर और कर्मचारी गायब मिले। इस पर कलेक्टर ने पीएमओ को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल में फैली गंदगी को लेकर भी नाराजगी जताई, साथ ही मरीजों की समस्याओं को जाना। मुख्यतः कुछ डॉक्टर्स जैसे ओपीडी में 5 ही उपस्थित पाए गए हैं, बाकी 25 दूसरे डॉक्टर भी अनुपस्थित पाए गए हैं, तो उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और उन्हें पाबंद किया जाएगा कि वो नियमित रूप से समय पे आएं। सरकारी अस्पतालों में सरकार तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराती है, लेकिन अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के चलते ये सुविधाएं मरीजों तक नहीं पहुँच पाती। बूंदी के नैनवा में 17 साल की नाबालिग से रेप। एक युवक ने किया रेप तो दूसरे ने की मदद। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मामला खोड़ी गांव का है, जहां हैंडपंप पर नहा रही 17 साल की एक नाबालिग के साथ एक युवक ने रेप किया, जिसमें आरोपित के दोस्त ने भी उसका साथ दिया। पीड़ित ने बताया कि वो अपने घर के पास हैंडपंप पर नहा रही थी, इसी दौरान दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और रास्ता पूछने के बहाने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उनमें से एक आरोपी ने वहीं उसके साथ रेप किया, लेकिन वहां दूसरी महिलाओं के आने के बाद दोनों बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। इसी दौरान नाबालिग घायल भी हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो आरोपी गण थे उनको अपनी पकड़ में लिया है और पूछताछ की जा रही है। जो घटनाक्रम सामने आया उसके हिसाब से पीड़िता हैंडपंप पर नहारी थी दोपहर के बाद में, तो उधर से जो कथित आरोपी हैं वो जा रहे थे, उन्होंने उसको अकेले को देखे उसके साथ दुर्व्यवहार की। वारदात के बाद से ही नाबालिग डरी सहमी हुई है। वहीं सरेआम इस वारदात के बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरों ने कोटा में एटीएम में लगाई सेम, 20 मिनट तक एटीएम तोड़ने की नाकाम कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कोटा के गोबरिया बावड़ी चौराहे पर दो बदमाशों ने एसबीबीजे के एटीएम को लूटने की कोशिश की और करीब 20 मिनट तक लोहे की रॉड से मशीन को तोड़ने की कोशिश में लगे रहे। इस दौरान अपनी पहचान छुपाने के लिए दोनों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, मगर लाख मशक्कत के बाद भी एटीएम को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए तो वहां से चले गए। वहीं एटीएम से लगे सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए उन्होंने जाते वक्त सीसीटीवी का तार ही काट दिया। दरअसल ये एटीएम सुनसान इलाके में है, जिसके चलते यहां कम ही लोग आते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने इस एटीएम को निशाना बनाया था। सीसीटीवी में कैद हुई है और बैंक ने बताया है, बैंक वालों ने हम इसके सीसीटीवी फुटेज आपको स्पष्ट क्लियर उपलब्ध करा देंगे। स्पष्ट उनके पास हम ढंग से आ नहीं पा रहे थे, शायद वो आज जांच के दौरान दे देंगे। फिलहाल बैंक अधिकारियों ने महावीर नगर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। श्रीगंगानगर के मोटासर गांव में इन्फेक्शन पशुओं की जान ले रहा है। अब तक मुंहपका और खुरपका से 250 पशुओं की मौत हो चुकी है। बीकानेर स्वास्थ्य विभाग ने पशु चिकित्सकों की एक टीम मौके पर भेजी है। श्रीगंगानगर के मोटासर गांव में मवेशियों के मरने से कोहरा मचा है। मुंहपका और खुरपका बीमारी से अब तक 250 से ज्यादा दुधारू मवेशी मर चुके हैं। वहीं मवेशियों के इलाज के लिए पशु चिकित्सक गांव में डेरा जमाए हुए हैं। हालात में कुछ सुधार जरूर है, लेकिन मवेशियों के मरने का सिलसिला थमा नहीं है। मवेशियों के मर्ज को पता लगाने के लिए बीकानेर से भी पशु चिकित्सकों की टीम आई है। मवेशियों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं और जांच के लिए उन्हें भेजा जा रहा है। मवेशियों के मरने से पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पशुधन के मरने से उनकी कमर टूट गई है।
इलाज के दौरान जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या में जो बीमार पशु हैं उनकी बीमारी के अंदर कमी आई है और जो पशु पहले मर चुके थे उनकी उनके अलावा अब पशुओं की मरने की जो संख्या है वो मृत्यु दर भी कम हो गई है। मौके पर आई डॉक्टरों की टीम मवेशियों की देखभाल के लिए पशुपालकों को टिप्स भी दे रही है। हालांकि डॉक्टरों की टीम का ये मानना है कि जानकारी की कमी मवेशियों के इलाज में दिक्कत पैदा कर रही है। जोधपुर डिस्कॉम विजिलेंस टीम पर हुआ हमला। बॉम्बे मोटर चौराहे पर हमले में जैन हुआ घायल, पुलिस ने जैन को कराया अस्पताल में भर्ती। जोधपुर डिस्कॉम शहर में लगातार बिजली चोरी रोकने की कवायद कर रहा है, जिसके लिए डिस्कॉम की विजिलेंस टीम रोजाना की तरह आज भी छापेमारी कर रही थी, लेकिन आज छापेमारी के दौरान डिस्कॉम विजिलेंस टीम पर हमला हो गया। दरअसल टीम बॉम्बे मोटर सफी पेट्रोल पर मीटर चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान चार पांच लोगों ने जैन रतनलाल और उसके ड्राइवर पर हमला कर दिया। हमले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जैन और ड्राइवर को थाने ले आई। हालांकि पूरी घटना जानने के बाद पुलिस ने घायल जैन को अस्पताल में भर्ती कराया है। लोग परिवार वाली इकट्ठे हुए और विजिलेंस टीम पे हमला कर दिया, जिसमें जयन रतनलाल जी चौधरी थे उनके साथ मारपीट की गई और गाड़ी का ड्राइवर था उसके साथ भी अंदरूनी कई चोटें आई है, लातों मुखों से मारपीट की है और अभी पुलिस को इतना मिली, पुलिस मौके पर गई है और दोनों को लेके ये दोनों पक्षों को अभी जाँच चल रही है मामले की। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब जाँच शुरू कर दी है और हमला करने वाले आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। खान घुसकांड मामले में तीन आरोपियों की हुई कोर्ट में पेशी, सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 5 मार्च तक बढ़ाई। खान विभाग के महा घुसकांड मामले में आज फिर से तीनों आरोपियों को उदयपुर के एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 5 मार्च तक बढ़ा दी है। वहीं निलंबित आईएएस अशोक सिंघवी आज कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। पेशी के दौरान न्यायिक कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल का असर दिखाई दिया, जिसके चलते मज 15 से 20 मिनट में ही तीनों आरोपियों को पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि इस घूसखांड में लिप्त खान विभाग के पूर्व प्रमुख शासन सचिव अशोक सिंघवी को उदयपुर पुलिस एवं एक अन्य मामले में वारंट पर जयपुर ले गई थी, तभी से वह जयपुर ही जेल में बंद है। साथ ही इस मामले में तीन लिप्त आरोपियों की पूर्व में जमानत हो चुकी है। कोर्ट में पेश किए गए तीनों आरोपी संजय शेट्टी, पंकज गहलोत और पुष्कर राज आमेटा ने पुलिस की मौजूदगी में अपने परिजनों से बातचीत की। सिटी पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने को लेकर न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल आज 8वें दिन भी जारी। वहीं स्टाफ वेंडरों ने भी अपनी मांगों को लेकर आज से उतरे आंदोलन पर। वेतन की मांगों को लेकर सिटी पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने को लेकर आज न्यायिक कर्मचारियों की 8वें दिन भी हड़ताल जारी रही, जहां न्यायिक कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को पूरी करने के लिए सरकार को चेतावनी दी। वहीं दोपहर में आयोजित की गई मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आंदोलन जारी भी रहेगा। वहीं महानगर डीजे की ओर से आज दी गई थी कि चेतावनी कि 10 बजे तक यदि न्यायिक कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके विपरीत जहां न्यायिक कर्मचारी आज काम पर नहीं लौटे, वहीं उन्होंने कहा कि वे अपनी हक की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी ओर आज प्रदेश भर के स्टाम्प वेंडर भी हड़ताल पर उतर गए, जहां उन्होंने एक दिन का न्यायिक कार्य बहिष्कार करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में झाड़ू लगाई। पहले 1,00,000 किया था, 1,00,000 से 50,000 किया, अब 50,000 के बाद में स्टाम्प आईजी साहब जो है अधिकारी कहते हैं कि हम आपके पास लाइसेंस ही नहीं देंगे आपको। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। राजस्थान के 20,000 स्टाम्प वेंडर और उनके परिवार आधारित 1,00,000 परिवार अपने संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए। न्यायिक कर्मचारियों ने आज दोपहर में एक मीटिंग आयोजित करके आगे इस आंदोलन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दे दी है कि जब तक सेठी पे कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं होंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। टोंक विधायक अजीत सिंह मेहता और नगर परिषद सभापति लक्ष्मी देवी जैन ने दी शहरवासियों को बड़ी सौगात। शहर के बदहाल वार्ड और गंदगी से अटी पड़ी गलियों के लिए घर घर कचरा संग्रहण योजना की शुरू। 6 मोबाइल कचरा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी। टोंक शहर की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। सकरी गलियां और गंदगी के ढेर से अटा रहने वाला नवाब का शहर अब जल्द ही बदला बदला सा नजर आने वाला है।
टोंक नगर परिषद और विधायक अजीत सिंह मेहता द्वारा किए जा रहे प्रयास जल्द ही शहरवासियों के लिए वरदान साबित होंगे। नगर परिषद सभापति लक्ष्मी देवी जैन ने हाल ही बोर्ड बैठकों में लिए गए कई अहम प्रस्तावों में से एक घर-घर कचरा संग्रहण की योजना अब शहर में शुरू हो गई है। आज ऐतिहासिक घंटाघर चौराहे पर आयोजित समारोह में विधायक अजीत सिंह मेहता और सभापति लक्ष्मी देवी जैन ने 6 मोबाइल कचरा वैन और एक डिजिटल मोबाइल प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए विधायक मेहता ने कहा कि शहरवासियों से किया गया हर वादा भाजपा सरकार समय रहते पूरा करेगी। शहर में कहीं भी एंट्रेंस निकले रोड सही है, कचरा कहीं टोक में नहीं जाता। स्वच्छता का जो अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लिया, वो उसको हम साकार होता हुआ देखें। विधायक अजीत सिंह मेहता और सभापति ने शहर को गंदगी से मुक्त करने की कवायद तो शुरू कर दी, लेकिन अब देखने वाली बात है कि शहर के बदहाल और गंदगी से अटे रहने वाले वार्ड कितनी जल्द साफ और स्वच्छ हो पाते हैं। 3 दिनों तक मरु मेले के रंगों में रंगी रही स्वर्ण नगरी, राजस्थान की लोक संस्कृति व उन्नत सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हुए सैलानी सम के मखमली धोरों में आज पूरे चांद की रोशनी में हुआ मेले का समापन। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले 3 दिवसीय मरु मेले में सैलानियों का सुरूर चरम पर था। 7 समंदर पार से आए सैलानियों ने पूरे समय इस मेले का जमकर लुत्फ उठाया। मेले के पहले दिन जहां मरुश्री व मिस मोमल प्रतियोगिताओं के साथ पर्यटकों ने भी मिस्टर इंटरनेशनल व साफा बांधने की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, वहीं दूसरे दिन डिडानसर मैदान में रेगिस्तान के जहाज ऊंट के करतबों के बीच साने मरुधरा, पनिहारी मटका रेस, रस्साकसी, कैमल पोलो सहित वायुसेना के एयर वॉरियर शो व बीएसएफ के कैमल टेटू शो ने पर्यटकों का भरपूर मनोरंजन किया। Easy parts was putting the little ring on your heads, but the hard parts was picking up the pot and putting it on your head. This was impossible. I couldn't do this. Very difficult for tourists because I suppose we're not used to balancing things on our head. But it was very interesting to say the least. It's great. It's very interesting. It's a good cultural experience for us. मेले के दौरान पूरे समय छाया रहा धमाल, चारों ओर बिखरी रंग बिरंगी लोक संस्कृति की छटा के बीच लोक संगीत व अन्य हैरत अंगेज कारनामों ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। 12 जिले में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप। शाहबाद पंचायत समिति की वार्ड नंबर 8 की सदस्य मरियाबाई भील की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला का शव उसके ससुराल में ही पड़ा मिला। महिला की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। महिला के पिता और भाई ने महिला के पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मृतक महिला के परिजनों का कहना है कि 50,000 रुपए का दहेज नहीं दिए जाने पर ही महिला की हत्या की गई है। मृतिका के शव को उसके परिजन अपने गांव ले गए, जहां पुलिस की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कराया गया। मृतिका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग को लेकर अक्सर मारपीट होती रहती थी। पुलिस ने बहरहाल दोनों पक्षों के बयान को दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। में वन विभाग ने की खनन माफियाओं पर कार्रवाई, 2 खनन माफिया गिरफ्तार, पत्थरों से भरे 2 ट्रक भी किए जब्त। झुंझुनू में वन विभाग की टीम ने अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने तातीजा कुठानिया क्षेत्र में 2 खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा है। कार्रवाई के दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई है। दोनों आरोपी छोटेलाल गुजर और रताज गुजर पिछले लंबे समय से पहाड़ियों में अवैध रूप से खनन कर रहे थे। अरावली की पहाड़ियों में अवैध रूप से खनन कर जिले से बाहर पत्थरों की सप्लाई करते थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। खनन माफिया इनको हमने 3-4 बार पहले भी समझाने की कोशिश की, जेसीबी से खाई को दबा दी गई है। पूर्व विमान में एक मुलजिम को पकड़ा गया है। बार बार गांव वालों के विरोध से हमने उनका ग्राम मुखिया उनकी मुखबिर की सूचना मिलने पर ग्राम तातीजा बुधे तातीजा से पीछा करते हुए उन्हें कोठानिया रोड पर इन दोनों मुलजिमों को हमने पकड़ के वनपाल नाका सिंगाना चौकी में जब्त कर दिया गया। पूर्व अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। प्रदेश में खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, इसके बावजूद भी खनन माफिया अपनी जेब भरने के लिए खनन करने में लगे हुए हैं, जिससे पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंच रहा है।